Hi students, I am J.K. Gogia and today I am going to discuss our next session of models. आज मैं आपके साथ models का जो next session है वो आपसे share करने जा रहा हूँ. उम्मीद है आपको पहले के मेरे दो session अच्छे लगे होंगे और models के बीच में जितने भी confusion हैं वो आपको clear हुए होंगे. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे जो दो और confusion है model के अंदर जो हमें बार बार परेशान करते हैं. देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन हमें ये डिफरेंस नहीं लगा पाते कि हमें कहाँ मस्ट यूज़ करना है और कहाँ शुड, और ये डिपेंड करता है एक मैनर पे. चलिए शुरू करते हैं. आज का जो टॉपिक है हमारा वो इसी के ऊपर. तो देखिए शुड और मस्ट दोनों का मतलब जो है वो क्या है, वो हमारा शुड का मतलब चाहिए होता है और मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है. लेकिन डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस है. शुड एक सलाह के रूप में, सजेशन के रूप में, एडवाइस के रूप में यूज़ होता है, जबकि जो मस्ट है वो हमें फोर्स और कंपल्सन की बात याद दिलाता है. सो इसलिए हम कहते हैं कि ये मैनर के बोलने के तरीके पर डिपेंड करता है. जो शुड वर्ड है, द वर्ड शुड इज़ यूज फॉर एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ वट आर वन थिंग्स is best for the concerned subject. जो subject है उसके लिए best क्या है उसको इस तरह की जो एक manner के रूप में बताया जाए वहाँ हम should का use करते हैं. लेकिन must क्या करता है, must जो है वो compulsory करता है, necessity कर देता है, उसको आवश्यक बना देता है जब हम must का use करते हैं. देखिए मैं आपके सामने example रख रहा हूँ, इस example को देखिए ध्यान से. You should speak the truth. You must speak the truth. दोनों सेम सेंटेंस है. अगर फिल इन द ब्लैंक्स आगे यू डैस स्पीक द ट्रूथ, तो आप क्या भरेंगे, मस्ट भरेंगे कि शुड भरेंगे. अब यहाँ तरीका है, दो तरीके हैं बोलने के. पहला, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए. तो मैं ये आपको सुझाव दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको करना चाहिए. अब ये करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट मैं कहूँ यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, आपको सच बोलना होगा, तो मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, फोर्सफुली कर रहा हूँ, आपको फोर्स लगा रहा कह रहा हूँ, फोर्सफुली कह रहा हूँ कि आपको बोलना ही पड़ेगा. तो आप यहाँ मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, यू शुड गो एंड यू मस्ट गो. मैं नॉर्मली कह रहा हूँ आपको, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, बहस ज़्यादा बढ़ गई है. तो अब आप चाहें ना जाएँ आपकी मर्ज़ी, बट मैं कहूँ यू मस्ट गो, अब आप चले जाइए यहाँ से, आपको जाना चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या होता है, यह मस्ट जो है वो कंपल्सन ला देता है. तो ये डिपेंड्स जो है स्पीकर्स के मैनर पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह बोलते हैं. ये आपको देखना होगा कि आप कौन से मैनर में इसको लेके जाएंगे. तो चलिए शुड पे थोड़ा सा क्लियरिटी और करते हैं. आपको समझ में आ ही गया होगा कि शुड जो है वो पोलाइट है और मस्ट जो है वो कंपल्सन है. शुड जो है वो आपको करने या ना करने के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन मस्ट आपको कुछ भी करने या ना करने के लिए फोर्स करता है, आप पर ज़बरदस्ती करता है, पनिशमेंट का प्रावधान करता है. यही शुड और मस्ट के अंदर डिफरेंस आता है. चलिए शुड के लिए सबसे पहली बात, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये शैल का पास्ट है. ये क्या है, शैल का पास्ट है. इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच जो होती है आपने पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है उसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, सेल के पास्ट. और सेल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है. क्या होता है, शुड होता है. फॉर एग्जांपल आपके सामने सेंटेंस है, द प्रिंसिपल टोल्ड द पीएन. यहाँ माफ़ कीजिएगा, टू की जगह टोल्ड आएगा या टोल्ड आएगा. द प्रिंसिपल टोल्ड द पीएन दैट ही शुड रीच स्कूल एट 10 ऑन संडे. मान लीजिए संडे को प्रिंसिपल ने पीएन को बुलाना है, तो वो क्या करेगा, उससे पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा कि जो पीएन है उसको संडे को कितने बजे आना चाहिए, उसको 10 बजे आ जाना चाहिए. ठीक है, ये उसको एक कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं. तो ये नैरेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना है, इनडायरेक्ट स्पीच का है. इसका जो डायरेक्ट होता वो क्या बनता, द प्रिंसिपल सेट द पीएन डैश इन्वर्टेड कॉमा शुरू ही शैल रीच स्कूल एट 10 ऑन संडे. लेकिन जैसे इनडायरेक्ट बनाया तो क्या हो गया, द प्रिंसिपल टोल्ड द पीएन दैट ही शुड रीच स्कूल एट 10 ऑन संडे. द टीचर सेड दैट यू शुड हेल्प द नीडी. टीचर क्या कहता है,
कि आपको क्या करनी चाहिए, आपको नीडी की, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट कैसे होता, डायरेक्ट होता द टीचर्स सैड डैश इनवर्टेड कॉमा शुरू यू शैल हेल्प द नीडी। जैसे चेंज हुआ क्या हो गया, द टीचर सैड दैट यू शुड हेल्प द नीडी, तो ये क्या हो गया, शैल का पास्ट हो गया। मानना या ना मानना, करना या ना करना, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ये एक सजेशन है, एडवाइस है, जिसको हम कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस ड्यूटी एडवाइस एस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन एक्शन सेंसिबल एक्शन। मतलब आप एक सेंसिबल एक्शन, जो आप किसी के टच के साथ, फीलिंग के साथ अगर किसी को एक्शन करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, उसका ड्यूटी बताते हैं, उसको उसका दायित्व बताते हैं, ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व, तो वहाँ आप शुड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ शुड और मस्ट में फिर वही डिफरेंस आ जाता है। मस्ट के अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जब हम मस्ट पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ नेसेसिटी आ जाती है, कंपल्सन आ जाता है, जरूरी हो जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। मान, मैंने कहा ना, शुड का मतलब मानना या ना मानना आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूँ यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप करते हैं या नहीं करते। यू शुड हैव ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए। यू शुड डू योर होमवर्क फर्स्ट, आपको पहले अपना घर का काम करना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, आपको अगर फर्स्ट आना है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। ये तो हो गया शुड के हिसाब से। अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ मस्ट में, तो फिर ये आप पर, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, आपको सलाह दे, आप बीमार ज़्यादा रहते हैं, तो डॉक्टर क्या कहे, आपके फ्रेंड कहे यू मस्ट टेक एक्सरसाइज डेली, आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आपको ठीक रहना है, तो नहीं तो आप इसी तरह से बीमार रह जाएंगे। यू मस्ट हैव वो भी योर पेरेंट्स, आपको अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, नहीं मानेंगे तो आपको क्या फ़ायदा, आपके माँ बाप से दूर हो जाएंगे, आपको इसको भगवान इसकी सजा देगा आपको। यू मस्ट डू योर होमवर्क फॉर फर्स्ट, आपको पहले अपना काम कम करना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, कल आपके टीचर आपको पनिशमेंट करेंगे। यू मस्ट हेल्प द पुअर, आप यहाँ शुड ही डिपेंड करता है, मस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट है आफ्टर लीस्ट, जब भी सेंटेंस के अंदर लीस्ट लगा हो और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा हो, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको शुड लगाना है। रन स्लो लीस्ट यू शैल शुड फेल डाउन, धीरे चलिए वरना आप गिर जाएंगे। स्पीक्स केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल्ट, अगर आपको गलती करना से बचना है तो आपको ध्यान से बोलना चाहिए। तो लीस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज़ करते हैं। चलिए अब लीस्ट के बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है सुपोजिशन का, कल्पना करता, जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं। शुड यू गो टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे, ब्रिंग मी सम फ्रूट फॉर मी, अगर तुम मार्केट जाओ तो मेरे लिए कुछ फ्रूट लेके आना। शुड यू लूज द वे आस्क समबडी, अगर तुम रास्ता भूल जाओ, मेरी सुपोजिशन है, कल्पना है, भूल जाओ, तो आपको किसी से पूछ लेना चाहिए या पूछ लेना। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब भी होते हैं वहाँ पर हम शुड का यूज़ करते हैं। चलिए अब यहाँ बात ध्यान दीजिए, शुड कैन बी यूज टू मेक ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन मोर पोलाइट, यहाँ पे मस्ट का यूज़ नहीं होता। जब भी हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, और ख़ास तौर पे वो किस में, बिजनेस में हो, जहाँ आप अपने कस्टमर के साथ बातचीत कर रहे हैं, या कोई टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात हो, ठीक है, या एग्ज़ाम के दौरान जब एग्ज़ाम चल रहा है, जिसकी ड्यूटी लगी है वो कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वहाँ पर आप शुड का यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे दिस फॉर्म शुड बी फिल्ड आउट इन इंक, ये फॉर्म जो है वो इंक से भरा जाना चाहिए। एप्लीकेशन शुड बी सेंट बाई 31 मई, एप्लीकेशन जो है वो 30 मई से पहले पहले आपको भेज देनी है। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन जब भी होगी वहाँ पर शुड लगेगा। प्रेडिक्शन जब भी होगी, प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, आप पहले से कुछ बताते हैं, तो वहाँ पर शुड का यूज़ होगा, मस्ट का यूज़ नहीं होगा। द वेदर शुड बी फाइन टुमारो, कल मौसम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। योर फ्रेंड शुड बी हैप्पी नाउ, अब आपका दोस्त अच्छा खुश होना चाहिए। इस तरह की प्रेडिक्शन जब हम करते हैं तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। अब चलिए मस्ट का भी थोड़ा सा कर लेते हैं चर्चा, डिफरेंस कर लेते हैं दोनों में। कंपल्सन मैंने कहा था जरूरी है, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन जब भी आपको दिखाई देगा, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन अगर आपको दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ करेंगे। सी मस्ट रन फास्ट टू
कैच द बस, नेसेसिटी है ये। अगर आपको बस पकड़नी है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको दौड़ना पड़ेगा। वी मस्ट पे आवर डेब्ट्स इन टाइम, ऑब्लिगेशन, दायित्व है हमारा कि हमें अपना कर्ज समय पे चुकाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको पेनल्टी लगेगी। यह कंपल्सन आ गया, फोर्सफुली हो गया है, पनिशमेंट प्रावधान हो गया है, तो आप यहाँ मस्ट का यूज़ करेंगे। तो डिफरेंस इतना ही याद रखें कि जहाँ आपने फोर्सफुल लगानी है, जहाँ आपको नेसेसिटी शो करनी है, जहाँ आपको कंपल्सन शो करना है, वहाँ आप मस्ट लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कंपल्सन पे आ जाते हैं हम। कंपल्सन भी है इसी से संबंधित, दो सेंटेंस लेते हैं। यू मस्ट ओबे द लॉज ऑन द ऑफ द लैंड, आपको ज़मीन के जो कानून है ना वो मानने होंगे, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, नेचर आपके साथ बुरा करेगा, जो रूल्स है वो आपको पनिश करेंगे। यू मस्ट बेग पार्डन ऑफ योर पेरेंट्स, आपको अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, नहीं मांगेंगे तो क्या होगा, आपने झूठ बोला है, आप फंसेंगे, आपको सजा मिलेगी, इससे अच्छा आप माफ़ी मांग लीजिए कि पापा मेरे से गलती हो गई, सीधी सी बात है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप देखते हैं तो कंपल्शन आती है, तो आपको किसका यूज़ करना चाहिए, शुड का। अब देखिए, एम्फेटिक एडवाइस की बात हो रही है, जोरदार शिक्षा की बात हो रही है, आप किसी को ज़बरदस्त सलाह देते हैं, आप बाबा रामदेव बन गए हैं, आप तो आचार्य बन गए, और आप चाहते हैं कि सबको अच्छे से भाई मैं एक सलाह दूँ जो सब माने और सबको मानना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंस जब भी करते हैं हम एम्फेटिक एडवाइस के, तो वहाँ पर मस्ट लगाते हैं। जैसे सी मस्ट सर्व हर ओल्ड मदर, उसको अपने बूढ़ी माँ की मदद करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, शिक्षा है, ज़ोरदार शिक्षा है। यू मस्ट नॉट टेल ए लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट हिज सीनियर्स, उसे अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरह के सेंटेंस जब भी आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको मस्ट का यूज़ करना है। सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, निश्चयात्मक विश्वास, निश्चयात्मक विश्वास की बात करें, ऐसा विश्वास जहाँ पे आप सर्टेन हैं, आपको पता है, आप डिलडोल से देख के बता देते हैं। जैसे सी मस्ट बी 70 नाउ, अब वो लगभग 70 साल की होनी चाहिए। कोई पूछता भाई आप उसकी मदर कितने एक साल की होगी, हाँ भाई वो 71 साल का होगा या वो 70 साल की होगी, ये प्रडिक्शन है हमारी, सर्टेनिटी है, क्योंकि हम उसके डील डाल को देख के और उसके उम्र का अंदाज़ा हम लगा रहे हैं। ही मस्ट बी ए ग्रेट स्कॉलर, वो एक अच्छा स्कॉलर बनेगा, क्यों, उसकी मेहनत को देख के हम ये कह रहे हैं। तो मस्ट भी जो है वो होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ, जहाँ आपको विश्वास पक्का होता है। बेबी मस्ट बी हंग्री, बच्चा भूखा होगा, माँ को पता होता है क्योंकि 2 घंटे हो गए उसको छोड़ के आई हुई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें, सर्टेनिटी का यूज़ करते हैं। चलिए इसके बाद हम यूज़ करते हैं भाई नेक्स्ट जो है प्रोहिबिशन की बात, अगर हम करें मनाही, जहाँ आपकी मनाही हो। यू मस्ट नॉट रीड अदर्स लेटर, आप दूसरों के पत्र नहीं पढ़ सकते। यू मस्ट नॉट एंटर अ लेडीज़ कंपार्टमेंट, आप लेडीज़ कंपार्टमेंट के अंदर नहीं जा सकते। यू मस्ट नॉट एंटर द लेडीज़ टॉयलेट, आप लेडीज़ टॉयलेट में नहीं जा सकते हैं। तो यू मस्ट नॉट एंटर द गर्ल्स हॉस्टल, आप गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस जब हम यूज़ करते हैं जहाँ पे प्रोहिबिशन है, मनाही है, सख्ती है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है, आपको पनिश मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो मस्ट का यूज़ करते हैं। ओके गाइज, थैंक्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज शुड और मस्ट के अंदर डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा और अपनी लाइफ में आप शुड और मस्ट का यूज अच्छे से कर पाएंगे, और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से जो है ये आपको बहुत, मेरा सेशन जो है आपको फ़ायदा ज़रूर करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आप सबका धन्यवाद, और रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इस तरह की जो वीडियोज़ है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आपको भी बेनिफिट मिले और आपके जीवन में इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जो आप सीखना चाहते हैं, वो इजी हो सके, इजी तरीके से आपके कन्फ्यूज़न को मैं दूर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।